नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं शेफ़ कालू सिंह गुजर और एक नॉर्थ इंडियन से नया आइटम लेके आ रहे हैं, जो कि जिसको हम साई टाइप का जिसको हम बोल सकते हैं, यानी कि काजू करी है। काजू करी आज हम लेके आ रहे हैं, जो कि वाइट ग्रेवी में लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सी बार हमने रेड में भी खाया है, येलो में भी खाया है, वाइट में भी खाया है। आपने बहुत टाइम बार आप काजू करी घर पे भी बनाते हैं, काजू मसाला भी बनाते हैं, तो आज हम सिर्फ़ और सिर्फ बनाएंगे काजू करी बनाएंगे, वाइट ग्रेवी में बनाएंगे। तो इजी और शॉर्ट वे में आप काजू करी बना के खा सकते हैं। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है हमारे को, जिसको हम साई ग्रेवी बना बोलेंगे। तो उसके लिए हमारे को तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स सही होगा, कैसे हमने बनाना है, कैसे प्रिपेयर करेंगे हम उसको, आपको मैं ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, साथ में वीडियो देखना है, वीडियो के साथ साथ इंग्रेडिएंट्स पर थोड़ा सा नज़र मारना है। देन उसके बाद आप काजू करी कैसे बनाओगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, वो भी मैं इसी में बताऊंगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ प्रिपरेशन, देन बनाना कैसे है वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा आप। ये हमारा सबसे पहले हमारे पास काजू होना चाहिए। काजू ये हमारा काजू है, जो कि हमने फ्राई करके रखा हुआ है, साबुत काजू जिसको हम हॉल का कैसे बोलेंगे। तो ये काजू इस तरीके से हमने गोल्डन गोल्डन फ्राई कर लेना है सबसे पहले। देन उसके बाद हमारे पास वाइट ग्रेवी होनी चाहिए। वाइट ग्रेवी मीन्स कि आपको पहले भी मैंने बताया, जिसको हम कैसोनेट ग्रेवी बोलेंगे, यानी कि काजू और मगज़ की क्वांटिटी में 70% हमारा मगज़ होना चाहिए, देन 30% काजू होना चाहिए। उसको हम एक दिन पहले भी सॉक भी कर सकते हैं, और विदाउट सॉक भी आप अगर आप थोड़ा जल्दी भी बना सकते हो, तो आप डायरेक्ट उसको काजू और मगज़ 70% मगज़ 30% काजू ये एक साथ बॉईल करके देन उसको आप मिक्सी में ग्राइंड करके बना सकते हैं। ऑल स्पाइस के साथ में भी आप इसमें थोड़ा तड़का मार सकते हैं, ऑयल या रिफाइंड ऑयल के साथ में। देन उसमें थोड़ा वाइट पेपर ऐड कर सकते हैं, देन थोड़ा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तो ओके, लेकिन नमक ऐड नहीं करना है आपको वाइट ग्रेवी में विशेष। देन उसके बाद हमारे पास ये होना चाहिए, ये हमारा कसूरी मेथी हो गया, देन ये हमारा इलायची पाउडर हो गया, ये वाइट पेपर हो गया, थोड़ा सा हम इसमें वाइट सॉल्ट भी यूज़ करेंगे, देन ये आपका कुकिंग क्रीम हो गया, देन थोड़ा शुगर भी ऐड करेंगे। तो ये छोटी सी रेसिपी से हम बड़ा आइटम बना सकते हैं, जिससे कि हम इंडियन का मेन कोर्स बोलेंगे, नॉर्थ इंडियन से हम जिसको बोलेंगे मेन कोर्स में है। आप छोटी सी प्रिपरेशन से बड़ी चीज़ बना के खा सकते हैं इस वीडियो में देख के। देन अब हमने इसको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, देन मैंने आपको ये तो बता दिया, अब बनाना कैसे है मैं वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप अब देखोगे आपको इसी वीडियो में कि काजू करी हमने वाइट ग्रेवी में कैसे बना के देन शेफ कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो आप घर में इजी वे में बना के खा सकेंगे इसी रेसिपी से। जो हम काजू करी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा पैन हो गया, पैन के बाद देन हमने क्या करना है, आप सिल्वर भी कढ़ाई में बना सकते हैं, देन कोई भी अदरवाइज में आप किसी भी पैन में बना सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं। तो ये पैन बिठाने के बाद स्लो आप फ्लेम ऑन करोगे, देन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये डालना है, ये हो गया आपका थोड़ा सा ऑयल, देन आप इसको वापिस निकाल दोगे। ये करने के बाद देन आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका जो ग्रेवी पका हुआ रहेगा वाइट ग्रेवी, तो आप उसको डायरेक्ट टच कर दोगे इसमें, अगर आपका जो वाइट ग्रेवी है अगर थोड़ा थिक होता है तो आप उसमें मिल्क भी यूज कर सकते हो, देन क्रीम भी यूज कर सकते हो, जिसको हम कुकिंग क्रीम बोलेंगे, ये कुकिंग क्रीम भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। ये हमारा कुकिंग क्रीम है, अगर आपको और भी थोड़ा सा थिक लग रहा है तो आप ये ऐसे थोड़ा सा मिल्क भी यूज कर सकते हैं, वाइट ग्रेवी में मिल्क ही यूज कर सकते हैं ये इस तरीके से। देन उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले थोड़ा सा वाइट पेपर टच करोगे, देन उसके बाद इलायची पाउडर टच करोगे, देन उसके बाद क्या करना है आपको, ये आपका जो कसूरी मेथी है क्रश करा हुआ होना चाहिए, ये यूज करोगे, देन थोड़ा सा आपका शुगर, अब शुगर डिपेंड करता है आप कितना शुगर लेते हो कितना शुगर नहीं लेते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। देन उस इसको आप उसके बाद पाँच से सात मिनट ऐसे वेल कुक करोगे, ये ऐसे पकाते रहोगे आप इसको इस तरीके से। देन आप थोड़ा सा हल्का सा, यानी कि जस्ट जिसको ड्रॉप टाइप का हम बोल,
ड्रॉप बोलेंगे, तो ये वाइट सॉल्ट हो गया हमारा। इसको आप इस तरीके से पकाते रहोगे, ये ऐसे इस तरीके से। ये हल्का सा अगर आपको और थिक लग रहा है तो आप मिल्क यूज कर सकते हो। देन आप ऐसे इस तरीके से इसको कंटिन्यू पकाते रहोगे, ये इस तरीके से। देन लास्ट में आपको क्या करना है, आपका जो ये कैसोनट फ्राई है, यानी कि जिसको हम काजू बोलेंगे, साबुत काजू बोलेंगे, हॉल का हॉल हम इसको काजू बोल सकते हैं, जिसको आपको इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लेना है, यानी कि इससे ज़्यादा कलर भी नहीं देना है, इससे कम भी कलर नहीं देना है, जिसको हम गोल्ड कलर बोलेंगे। और ये हमने इसमें डिप कर देना है, डिप मीन्स कि हमने इसमें पुट कर देना है, पुट मीन डाल देना है इसको। देन थोड़ा सा हम इस तरीके से पकाते रहेंगे इसको। देन लास्ट में हमने क्या करना है, हल्का सा हमने इसमें इस तरीके से घी टच कर देना है। तो ये इस तरीके से अगर आपको हल्का सा लगेगा कि हाँ थिक होने लग गया, जैसे ये इस तरीके से मैं आपको पैन में दिखा रहा हूँ, ये अगर ऐसे इस तरीके का थिक दिखाई दे रहा है तो समझ लेना आपका काजू करी बन के रेडी हो गया। देन आपको इसको कैसे किस तरीके से सर्व करना है वो भी मैं बता देता हूँ, कैसे प्रेजेंटेशन करेंगे हम इसको, किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे काजू करी, इस तरीके से आपको सर्व करना है। देन थोड़ा सा हम इस तरीके से गार्निशिंग भी करेंगे। ये हमने थोड़ा सा काजू इस तरीके से ऑन टॉपिंग जो हमारा काजू रहेगा वो भी डालेंगे। कोरिएंडर लीव्स भी इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया, एक से दो बूंद आप इस तरीके से, ये जो हमारा जो रोगन है जिसको हम बोल सकते हैं, चिल्ली ऑयल टाइप का जिसको हम बोलेंगे रोगन, तो ये जो हमारा काजू करी है इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो ये जो काजू करी है आप इस तरीके से शॉर्ट रेसिपी से इजी वे में आप बना के खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, जिसको हम शाही ग्रेवी बोल सकते हैं, शाही डिश बोल सकते हैं, और शाही तरीके से आप इसको खा के इंजॉय कर सकते हैं। तो इंजॉय के साथ साथ देन आपको पता ही है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है, बेल आइकन के साथ आपको चैनल सब्सक्राइबर करना है, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो देन आप वीडियो देखते रहे, देन आपके उसके साथ साथ आप खाने बनाते रहे, इंजॉय करते रहे। देन थैंक यू सो मच।